हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज देखिए, मैं अपने पिछली वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि कैसे हम डिफार्मा को पास करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हें हम हल करें और उनको आसानी के साथ पास करें। जो स्पेसिस में इम्पॉर्टेंट लगाया हुआ हूँ मैं, जो लिखा हुआ है, अगर वो क्वेश्चन आप भी पढ़ते हैं तो भी आप आसानी के साथ क्लियर कर सकते हो इतने क्वेश्चन भी पढ़ के, क्योंकि टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार आने वाले क्वेश्चन, हर बार ही एग्जाम में जो आते हैं, जो इम्पोर्टेंट लिखा गया है। सो आप लोग, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट भी ना हो तो भी आप लोग अपने खुद से ये काम कर सकते हैं। 2 साल या 3 साल का पेपर आप डिफार्मा का किसी भी जगह से निकालिए और निकाल के अपने आप से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। सो आइए हम देखते हैं आज के जो टॉपिक है हमारा, फार्माकोग्नोसी सिलेबस से देखते हैं कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूडिंग इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड नेचुरल ओरिजिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आने वाले क्वेश्चन है ये सब। एडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवेल्युएशन, ये भी क्वेश्चन अधिकांशली आता है। जैसे ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है तो ये अधिकांशली फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट, 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये क्वेश्चन अधिकांशली आते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगला, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकांशली आते रहता है। आते हैं नीचे, बात करते हैं टर्पिनाइड, ग्लाइकोसाइड, बुलाटाइलाल और टैनिन एंड रेनिन्स, इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोग इतना पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं लग्जेटिव में, कैस्टर आयल और आइसोफागुला, ये भी। और कार्डियोटॉनिक में आते हैं तो डिजिटलिस और अर्जुना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक आना ही आना है, कोई एक आ सकता है, कभी ये एग्जाम में पहले आता है, कभी ये आता है, कोई एक ही आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनेटिव में, जीआई रेगुलेटर में कोरिंडर, फनल और एजोइन और कार्डमम। ओके, ये इसमें देखते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें एसाफोटिडा, क्लो, एसाफोटिडा मतलब हींग होता है और क्लो मतलब लौंग होती है, कोरिंडर मतलब क्या होता है, धनिया होता है। इस तरीके से आप लोग जैसे हिंदी में भी जानते रहिएगा, किसी चीज़ के बारे में ना छोड़िएगा, हर चीज़ के बारे में जानते रहिएगा, जिससे आप उसे बहुत ही सिंपली तरीके से बना के लिख सको। भले ही आपको टोटल चीज़ें याद ना हो, लेकिन आप उसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ा सा उस पर जो उसके मोस्ट टॉपिक है उसको गेस करके माइंड में गेन करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम में, बेलाडोना, अश्वगंधा, इसमें से कोई एक, ओपियम कैनाबिस, ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2 या 1 क्वेश्चन या फिर सारे भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं वसाका, और यहाँ पे आते हैं जिमनेमा और साल्वेस्ट्रो, और यहाँ पे आते हैं गोखरो, हो गया। और नीचे देखते हैं बेंजोइन, ओके, और ये सिंकोना, हर बार फंसने वाला क्वेश्चन है, ये अधिकांशली एग्जाम में आपके आता है, ये अधिकांशली बहुत रेयर केस में मिस हो जाता है, वरना अधिकांशली आता है। सार्क लीवर आयल, ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट में, तो पेपरमेंट आयल, लेमन ग्रास आयल, इसमें 2 में से 1 आना ही आना है। और फार्मास्यूटिकल लेड में देखते हैं तो कायोलिन, बी वैक्स और गम जो है ये, ठीक है, अगर गम जो है ये पक्का आना है, जो अगर गम है। और नीचे बात करते हैं जिलेटिन, ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन में से कम जो टिक वाले क्वेश्चन में लगाया हूँ एक एक टॉपिक से, उसमें 2-3 में से 1 आता है। ओके, अब नीचे बात करते हैं हम यहाँ मिसलेनियस में सतावरी, शंखपुष्पी, ओके, और यहाँ पे बात करते हैं इरगोट, और इसके नीचे बात करते हैं फाइब्रस यूज स्टर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग कॉटन सिल्क रेफ्रिजरेटेड फाइबर्स, इसमें से क्या है, कोई भी तीन, इन तीनों में से कोई एक या क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है वो। ओके, तो ये सिलेबस मेरा हो चुका है, आगे हम देखते हैं। और गाइज, आप लोग इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही मन लगा के अगर आप लोग जितना कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद पास होने के लिए, 1-2 नंबर का क्वेश्चन हल करने के लिए, सारे चीज़ों के बारे में जानते तो रहिएगा, जानना ज़रूरी है, भले ही वो याद हो या ना हो, अगर आप जानते रहोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना के उसे लिख सकते हो। ओके, हम आगे बात करते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये सिलेबस हमारा है बायोकेमिस्ट्री का, पीछे उसका नाम चला गया, लेकिन यहाँ पे देखिए बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में, देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ प्रोटीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल वैल्यू, इसमें ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बाई मिस्टेक बस मिस हो जाए तो बात अलग है। ये जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है बहुत ही शार्ट सिलेबस है, इसीलिए इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ये जब टोटल जो टिक लगे हुए, ये मान लीजिए आपकी एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, ये हर बार ही इनको आना है। ओके, यहाँ पे देखते हैं लिपिड, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है,
और आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन उसका एंड डिस्कस रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म बारे में। ये दोनों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले टोटल क्वेश्चन, जितना मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसे 60 समझ के ना पढ़िएगा। विटामिन देखते हैं, रोल ऑफ विटामिन एंड कोएंजाइम्स मिनरल एंड वाटर इन लाइफ प्रोसेस, ओके। एंजाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिम्फोसाइट प्लेटलेट्स, ये लिम्फोसाइट बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ देखते हैं एरिथ्रोसाइट एबनॉर्मल सेल एंड देयर सिग्निफिकेंस और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड। ये दोनों क्वेश्चन आप जानते हो, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यूरिन नहीं तो ब्लड एक पक्का हर बार पूछा है, देयर सिग्निफिकेंस ऑफ डिजीज, ओके। ये भी फाइनल हो चुका है आपका। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये अधिकांश से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हर बार आता है, ये आप लिख के रख लीजिए, ये हर बार आता है, माइटोकांड्रिया और स्ट्रक्चर ऑफ सेल और माइक्रोसोम चांस कुछ कम होता है पूछने का, लेकिन हर बार पूछता है फिर भी, या माइक्रोकांड्रिया और स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपकी टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म है, 10 नंबर का, इसको लिख के रख लीजिएगा, ये कैंसिल होने वाला ही नहीं है, बहुत रेयर केस में हो सकता है, वैसे मैं 100% दावा नहीं कर सकता पर 19% दावा करता हूँ, ओके। अब यहाँ बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टोटल में से इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इपिथेलियल टिश्यू जो हर बार पूछता है, और इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टिव और टिश्यू ये आप पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम में, तो फंक्शन ऑफ स्केलेटल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये स्पेशली हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछे जाए चाहे ना पूछे जाए, ये भी रेयर केस में आते हैं बट ये सबसे ज़्यादा के पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि किसी एक टॉपिक से दो क्वेश्चन मोस्टली पूछता है, किसी भी टॉपिक से दो क्वेश्चन मोस्टली, ओके। तो फंक्शन एंड जॉइंट डिसऑर्डर, ओके। अब यहाँ बात देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं आता रहेगा इसमें से तो भी अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप जानते हो तो सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, और बहुत मैं सिंपली रूप से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अपने जो है वीडियो में बना के डाला हुआ हूँ। कंपोजिशन ऑफ ब्लड और ब्लड ग्रुप एंड कोगुलेशन बहुत ही सिंपल सा इसका वो है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड बहुत ही सिंपल सा इसका रिएक्शन टाइप का दिया हुआ है, जिसे आप लोग पढ़ लोगे इसकी प्रोसेसिंग कैसे कोगुलेट होता है, कैसे मतलब उसका थक्का बनता है, कैसे वो जमता है ब्लड, तो आप लोग बिल्कुल इसे जो है नॉर्मली रूप से जा समझ सकते हो, और समझने के बाद सिर्फ आसानी के साथ सिर्फ लिख सकते हो। नेम एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड स्ट्रक्चर, ओके, ये मैं पढ़ा चुका हूँ टॉपिक, एंड फंक्शन वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट, ये भी टॉपिक मैं बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया हूँ अपने वीडियो में, ओके, बहुत ही अच्छा, आपने वीडियो देखेगा ब्लड जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उस ब्लड में इन सब सारे चीज़ों का मैं जिक्र किया हुआ हूँ। ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग, मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसके रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं हम, और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और सिस्टम दोनों पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन जो है हर बार आने वाले क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में, ओके। नेक्स्ट आते हैं यूरिनरी सिस्टम और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेनल डिजीज ओडिमा, फंक्शन ऑफ किडनी, ये अधिकांशली क्वेश्चन पूछता है, और ये जो है आपका ओडिमा ये अधिकांशली पूछता है, ये दो टॉपिक इसमें बहुत ही स्पेशल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। मस्कुलर सिस्टम में बात करते हैं तो एक ही है, फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर जंक्शन। अब आते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें मैंने वीडियो बना के डालने वाला हूँ, जल्दी आपको इसका वीडियो मिलेगा और बहुत ही अच्छा वीडियो मिलेगा, मैं हो सके तो कुछ ही टाइम में आप लोगों को ये वीडियो अपलोड भी कर दूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं इसको हाई लेवल का थोड़ा बनाया पड़ा हूँ, उसमें सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, जिसमें मेनिंजाइटिस जो है ये बीमारी जो होती है, ये जो आपका होता है ब्रेन होता है, ब्रेन के नीचे एक झिल्ली होती है, जिसको जो ब्रेन की जो ऊपरी झिल्ली होती है, ब्रेन के नीचे जो जैसे खोपड़ी होती है कॉर्नियल, उसके नीचे की जो क्रैनियल के नीचे जो झिल्ली होती है जो कि सेफ करती है उसे, उसी को मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसी जो परत को, उसी में अगर जो है आपका वायरस इफेक्टेड या फिर कोई भी बैक्टीरिया इफेक्टेड हो जाती तो वहीं आपको जो कोमा होता है उसी कारण होता है, और उसमें मेनिंजाइटिस का वहीं जो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, वही मेनिंजाइटिस का एक डिजीज के रूप में चेंज हो जाता है, ओके। आगे देखते हैं सेंसरी ऑर्गन्स में, उसका सेंसरी स्ट्रक्चर और ईयर, इसमें दो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपने वीडियो में पढ़ाया हुआ हूँ इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी।
अगर आप लोग उतना भी पढ़ते हो तो बहुत ही आसानी के साथ लिख लेते हो। फंक्शन ऑफ लीवर, इसमें भी लीवर पूछेगा, लीवर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम की तो बहुत ही अच्छी सी वीडियो मैं आप लोगों को बना के डाला हूँ। हाँ, बस बचा ये है कि उसके टोटल पार्ट का पढ़ने का, तो जल्दी ये वीडियो में डालने वाला हूँ। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल और पैनक्रियाज, इसके स्पेशल फंक्शंस क्या हैं ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही अच्छा वीडियो मैं अपने यूट्यूब पर डाला हुआ हूँ। अगर आप उसको देखते हो तो हमें ये तो कन्फर्म है कि आपको वो जरूर अच्छा लगेगा वीडियो, अगर आप समझने का अच्छे से प्रयास करते हो, क्योंकि मैं उसमें नीट, गेट और इन सब सारे एग्जामों के बारे में बताया हूँ। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा, जैसे आपको ये पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, या फिर हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, इन सब सारी चीज़ों के भी उसमें मैं जिक्र किया हुआ हूँ क्यों कहते हैं। ओके, तो आप लोग मेरा वो वीडियो देखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही अच्छा वीडियो है, प्लीज़ एक बार आप लोग देखिएगा तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे। वैसे मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अब बात आ रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में देखते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, डिटरमिनेशन ऑफ अ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इतना देख लीजिएगा। और इसमें न्यूट्रिशन में देखिए डिजीज इंड्यूस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी मतलब कमी से, किसके कमी के दौरान, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड उसका प्रिवेंशन, मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये इसमें है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं अपने क्लास के दौरान तो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी वीडियो बना के इसका मैं नहीं डाला हूँ। हाँ, हो सकता है कि डालूँ भी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ओके, हम आते हैं यहाँ पर, देखते हैं डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग और डेमोग्राफी साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछी जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रैक्टिव मेथड। ओके, और आगे आते हैं यहाँ पे फर्स्ट एड में, तो फर्स्ट एड में पॉइजनिंग हो गया, और इसमें आप लोग कुछ टॉपिक और पढ़ लीजिएगा, जैसे शॉक हो गया, स्नेक बाइट। मैं अभी हर टॉपिक को यहाँ पे गेस नहीं किया हूँ, पढ़ने को आपको इसमें चाहे तो आप सब पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट गेस किया हूँ जिसके द्वारा बस आसानी के साथ अच्छे नंबर से आप डी फार्मा को क्लियर कर सकते हो। अब नीचे देखते हैं एलिमेंट्री ऑफ माइनर सर्जरी एंड ड्रेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल ऑफ हेल्थ में, तो वाटर पोल्यूशन, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एथ्रोपोड बॉन्डेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, टोटल क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इन सब टोटल के बारे में जानते रहिएगा, बट मैं जिस जिस क्वेश्चन को मार्क किया हूँ इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ क्या याद कर लीजिएगा। और इसका 20% जितना मैं मार्किंग किया हूँ, 20-30% भी अगर आप याद करते हो तो आप पक्का मेरा लिख के ले लो, आप अच्छे नंबर के साथ डी फार्मा को क्लियर कर सकते हो, बढ़िया अच्छा नंबर 60-65% के साथ। नॉर्मली ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ कि यार 20% पढ़ते हो, 20-30%, तो और इसको टोटल पढ़ते हो तो फिर तो पूछो नहीं यार, फिर तो आप टॉप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे इतने क्वेश्चन हैं जो कि हर बार एग्जाम में आपके आते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब, स्टैनिंग टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन डिजीज। ओके, नीचे बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज में, तो यहाँ पे मेलियसिस और डिफ्थेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ट्यूबरक्लोसिस है। ओके, आप लोग देख लीजिएगा पूरा। अब इंटेस्टाइनल फंक्शन देखते हैं, पॉलीमेलाइटिस, ठीक है, पॉलीमेलाइटिस, हेपेटाइटिस और कॉलरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अथरपोड बर्न इन्फेक्शन में देखते हैं तो मलेरिया। ओके, और इधर देखते हैं सरफेस इन्फेक्शन, रैबिज, टेटनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज में देखते हैं तो एड्स, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। ओके, और इधर बात करते हैं आपको एपिडर्मोलॉजी में, तो डायनामिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, और यहाँ पे देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इतने टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो आसानी के साथ इससे भी आप क्लियर कर सकते हो। सो गाइज, अब आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, जितनी टॉपिक मैं बताया हूँ आप लोग आसानी के साथ क्लियर कर सकते हो आप अपने डी फार्मा एग्जाम को। ओके, अगर आप डी फार्मेसी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो इन टोटल क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, और ना टोटल को पढ़ पाए तो भी इसका 30% पढ़ के जाइएगा, आप अच्छे नंबर से बिल्कुल अच्छी तरीके से बिना किसी फी को दिए, बिना कुछ किए आप आसानी के साथ पास हो सकते हो। हाँ, पर पढ़िएगा उसे अंडरलाइन, जिस तरीके से मैं अंडरलाइन करके क्वेश्चन को लगाया हूँ उसी तरीके से अंडरलाइन करके आप अपने टॉपिक को पढ़िएगा, जिससे कि आप इम्पॉर्टेंट जो ये अंडरलाइन पॉइंट रहेगा उसे आप अपने माइंड में नोट करना या फिर एक पेज पर कहीं नोट करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।